नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको मच्छरों से बचने के कुछ प्राकृतिक घरेलू उपाय बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्राकृतिक घरेलू उपाय है ये इतने कारगर सिद्ध होंगे जिससे आप मच्छर आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। दोस्तों मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। गर्मी का मौसम आते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छर का काटना कई प्रकार की बीमारियों जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आदि को जन्म देता है। बाजार में अनेक प्रकार की मच्छर मारने की रासायनिक दवा, मच्छर मारने का स्प्रे, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती और मच्छर मारने की मशीन भी उपलब्ध है, लेकिन यह बाद में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। कई व्यक्तियों को मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन से एलर्जी तक होती है, इसलिए वह मच्छरों से बचने के लिए घरेलू उपायों को खोजते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए आज की ये वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ प्राकृतिक उपाय बताने वाले हैं जिसका उपयोग करके आप मच्छरों से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या उपाय हैं। दोस्तों सबसे पहला जो उपाय आता है वो आता है नीम और नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, नीम का तेल नीम के पेड़ के बीजों और फलों से प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी संरचना और मजबूत सुगंध में प्राकृतिक मच्छर निरोधक यानी कि मॉस्किटो रिपेलिंग गुण होते हैं जो मच्छरों से बचने का आसान तरीका माना जाता है। एक अध्ययन ने यह साबित किया है कि नारियल तेल में 2% नीम तेल मिलाकर उपयोग करने से मच्छरों की विभिन्न प्रजातियों से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान होती है। मच्छर से बचाव के लिए आप नीम के तेल की 10 बूंदे और 30 ml नारियल तेल को अच्छी तरह से मिला लें और इस मिश्रण को बिना ढके शरीर के उजागर क्षेत्रों पर लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर के किसी भी भाग पर मच्छर आने से भी कतराएंगे। बात करते हैं दूसरे उपाय की जो कि है पेपरमेंट ऑयल या फिर नारियल का तेल। दोस्तों पेपरमेंट ऑयल एक अन्य आवश्यक तेल है जो मच्छरों को दूर भगाने में अच्छा काम करता है। पेपरमेंट ऑयल में नारियल तेल मिलाने से इसकी मच्छर निरोधक क्षमता बढ़ती है। इसकी तेज गंध मच्छरों को दूर रखती है जबकि पेपरमेंट में लिमोनिन और मेंथोल जैसे यौगिक होते हैं जो मच्छरों को दूर भगाते हैं। नारियल के तेल में असंतृप्त फैटी एसिड होता है। मच्छरों से बचने के घरेलू उपाय में आप पुदीना तेल की 12 बूंदे और 30 ml नारियल तेल को मिला लें। अब आप इस मिश्रण को सीधे ही हाथों और पैरों पर लगाएं। आप इसका प्रयोग बाहर जाने से पहले 2-3 बार करें। ऐसा करने से आपको बाहर भी और अंदर भी कहीं भी मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों अगले उपाय में हम यूज़ करने वाले हैं नीलगिरी के तेल का। जी हाँ, नीलगिरी के तेल में साइट्रोनियल और पी मीथेन 3.8 डायोल जैसे यौगिक होते हैं जबकि माना जाता है कि साइट्रोनियल मच्छरों को भगाने का कार्य करते हैं। पीएमडी इन मच्छरों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है। नीलगिरी के तेल को 10 ml लेकर उसे किसी भी वाहक तेल जैसे कि जैतून या फिर नारियल के तेल में 90 ml तक मिला लें। अब इस नीलगिरी तेल के मिश्रण को आप सीधे अपने शरीर के अंगों पर लगा सकते हैं। इस मिश्रण को घर से बाहर जाते समय आप जरूर लगाएं। बात करते हैं अगले उपाय की जो कि है टी ट्री ऑयल। जी हाँ दोस्तों, टी ट्री ऑयल का उपयोग औषधीय गुणों के कारण किया जाता है। इसके शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं इसमें जो मच्छरों के काटने को जल्दी से रोकने और ठीक करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों टी ट्री ऑयल की मजबूत सुगंध मच्छरों को दूर भगाती है। यह तेल काफ़ी हार्ड है इसलिए इसे नारियल के तेल में मिलाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग करने के लिए आप टी ट्री ऑयल की 10 बूंदों में 10 ml नारियल का तेल मिला लें। अब इस मिश्रण को बिना ढके या शरीर के उजागर क्षेत्रों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग बाहर जाने से पहले 2-3 बार कर सकते हैं। बात करते हैं अगले उपाय की जो कि आते हैं सेब का सिरका और एसेंशियल ऑयल स्प्रे का। जी हाँ दोस्तों, मच्छर से बचने के लिए एप्पल साइडर विनेगर सिरका बहुत ही प्रभावी है। जब आप एसेंशियल ऑयल के साथ एप्पल साइडर सिरका को मिलाकर प्रयोग करते हैं तो यह मच्छर को दूर भगाने में मददगार होता है। एप्पल साइडर सिरका आपकी त्वचा की सतह पर आवश्यक तेलों के साथ मिलाकर थोड़ा अम्लीय पीएच बना देता है जो मच्छरों को दूर करने की गतिविधि को बढ़ावा देता है और इसका प्रयोग करने से मच्छर आपसे दूर रहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि 50 ml सेब साइडर सिरका लेकर उसमें 10-12 बूंदे एसेंशियल ऑयल और 50 ml पानी को अच्छे से मिला लेना है और इस घोल को आप पंप वाली बोतल में भरकर स्टोर कर सकते हैं और घर से बाहर जाने से पहले
अपने ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से मच्छर आपके आसपास नहीं भटकेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ लाजवाब तरीके जिनका आप इस्तेमाल करके मच्छरों की जो समस्या है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस जानकारी को सुन पाएँ और समझ पाएँ। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।